नमस्कार, वेलकम अभिनंदन एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने बिजनेस में आज कैसा रहेगा दिन, हेल्थ का कैसे रखना है ख्याल, किसे नौकरी और करियर को लेकर आज मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन, इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए आखिरी तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अब जानते हैं 31 मई 2024 दिन शुक्रवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास ज्येष्ठ है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। आज अष्टमी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज शतभिषा नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगा, इसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग विषकम्भ योग शाम 6:05 तक रहेगा, इसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रात 11:10 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:24 पर होगा, आज चंद्रोदय रात 1:35 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 10:35 से शुरू होकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। अब जानते हैं 31 मई का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि, आपके पास पैसा कमाने, कुख्याति प्राप्त करने और उपलब्धि प्राप्त करने का अवसर है। जैसा कि चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करता है, ये उन सभी को स्वाद देने का समय है जो आपके रास्ते में आने वाले लोगों को शामिल करने के लिए भी याद करते हैं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार आपने उन सभी आशीर्वादों के लिए कड़ी मेहनत की है जो जीवन ने इन दिनों आपको दिया है, और उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। काम बाद में आएगा, अभी के लिए ये सब आनंद लें और अपनी उपलब्धियों की महिमा में स्नान करें। लव लाइफ में आजकल आप बहुत रोमांटिक महसूस कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ प्यार का इजहार करना चाहते हैं। आप विशेष रूप से किसी खास दोस्त से आकर्षित भी हैं। आज आप अपने मन को खुशगवार रखें, क्योंकि आज आपका प्यार परवान चढ़ने को है। करियर के मामले में आज आपको ध्यान रखना है कि आप अपने व्यवसायिक सहकर्मियों के साथ बेकार की बहस में ना पड़ें, ये बहस लड़ाई में भी बदल सकती है। आप शांति से आगे बढ़ें, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप किसी बहस के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको लड़ाई को परिपक्वता व धैर्य से सुलझाना चाहिए। आज नया घर खरीदने का इरादा बन सकता है, पुराने घर को भी सजाएं संवारें ताकि कुछ बदलाव का एहसास हो सके। हेल्थ के मामले में आज आपकी नई चीजों का आविष्कार करने में दिलचस्पी हो सकती है। आज आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं बनाया हो। आज आप बड़े चाव से खाना खाएंगे। आज के दिन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 1 से 2 तक का दोपहर का समय आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। शुक्रिया। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, कुंभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको एक प्रफुल्लित मनोदशा में डाल सकती है और आज का दिन सीखने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि यदि आप किसी अत्यावश्यक स्थिति के निश्चित उत्तरों की खोज में गंभीर हो जाते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। धैर्य एक गुण है और आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। अगर आप आज ठान लें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लव लाइफ में आज का दिन रोमांस के लिए उत्तम है। आज आपको वो खास मौका मिलेगा जब आपको तनाव से काफी राहत मिलेगी। आप सबसे अच्छे मौके की खोज में दिखेंगे और आपको वो मिलेगा भी। मौके को तरजीह दें, अच्छे कपड़े पहने, सबका ध्यान आप पर केंद्रित रहेगा। करियर में आज अपने गुस्से पर काबू रखें। आज संकेत है कि आप कार्यालय में अपना आपा खो देंगे, जिससे आपकी छवि बिगड़ सकती है। अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर रखें और अपने व्यवसायिक संबंधों को बिगड़ने ना दें। आर्थिक स्थिति के मामले में आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, शायद कोई नई कार या बाइक, तो आज ये खरीदने के लिए शुभ दिन है। आर्थिक मामले में आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, तो आज अपनी कार या बाइक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें। हेल्थ के मामले में आज आप स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना पसंद करेंगे। आज खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते। आज आपको स्वादिष्ट भोजन करने में बहुत मजा आएगा, मगर इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप उतनी ही कैलोरीज लें जितनी आपकी बॉडी इंटेक कर सकती है।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सफेद रंग आपका लकी कलर रहेगा। शाम 6 से 8 का समय आपके लिए लकी होगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी का कहना है कि वास्तव में उन व्यक्तियों के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है जो अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए अपने आसपास सकारात्मक समय और ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और बेहतर भविष्य बनाएं। अगर आप में से कुछ लोग नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए अपने आप को रोकें नहीं, आगे बढ़ें। आज का दिन बहुत ही अच्छा है सभी प्रकार के काम शुरू करने के लिए, आप इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमांस के मामले में आज का दिन आपको हैरत में डालेगा। एक दोस्त बड़े आश्चर्यजनक रूप से आपके कामों में हाथ बटाना शुरू कर देगा और आपकी ओर सम्मोहित हो जाएगा। इस रिश्ते की उपेक्षा ना करें क्योंकि ये आगे सफल हो सकता है। करियर के मामले में आज हो सकता है कि आप अपने सहकर्मी या बॉस या फिर प्रतिस्पर्धी से बहस कर बैठें। पूरी कोशिश करें कि आप झगड़े में ना पड़ें और शांति से चीजों को सुलझाएं, कूटनीति से पेश आएं और झगड़ों से बचें। आज बात बिगड़ने ना दें। आर्थिक स्थिति के मामले में नया घर या नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज कर्ज के लिए आवेदन देने का अच्छा दिन है। आज कार खरीद लेने के लिए भी अच्छा दिन है। सितारे आपके पक्ष में हैं। हेल्थ के मामले में अगर आप उनमें से हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है तो आज का दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई नई चीजें ट्राई करने के लिए। आज आप भाग्यवान हैं, आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। आज के दिन अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो इसे दोपहर 1:30 बजे से आप 2:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। चमकीला नीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। धन्यवाद। अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, चंद्रमा की कुंभ राशि पर उपस्थिति के कारण आप घर पर एक बहुत ही संतोषजनक दिन बिताएंगे। आपको अपने परिवार के महत्व का एहसास होगा और आप शुद्ध घरेलू आनंद का लुत्फ उठाएंगे। आज के दिन का अधिकतम लाभ उठाएं क्योंकि ये परिवार के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा समय होगा। आप में से कुछ लोग अपने ऑफिस में आज किसी अजनबी के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इतना जान लें कि वो आपसे अच्छा नहीं, क्योंकि वो आपके करियर के लिए सही नहीं है। अगर वो दूसरे विभाग का है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले लें, बातचीत करें और ऑफिस के बाहर ही आप अपना जो भी इजहार करना चाहते हैं या जो भी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो करें। आज जो भी बोलें वो सोच समझ कर बोलें, अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ के करें, कूटनीति से पेश आएं, इससे आप अनचाहे तनाव से बच सकते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में जो लोग किराए के घर में रह रहे हैं उनके अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। कर्ज के आवेदन के लिए ये सही समय है। जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदने या इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए अड़चने आ सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप योजना को थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए। हेल्थ के मामले में आज आपकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। किसी भी चीज को खाते समय सावधानी बरतें और कोशिश करें कि तली भुनी और चटपटी चीजों से दूर रहें। अच्छी सेहत और ऊर्जावान बने रहने के लिए चिंता ना करें और ना ही अपना मन किसी नए चीज को बनाने में लगाएं। आज आप 5 से 6 के बीच में अपने इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आज भूरा रंग आपके लिए सकारात्मकता लेकर आएगा। धन्यवाद। देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के साथ आप अपने आसपास के लोगों से काफी निराश महसूस कर रहे हैं। आप दूसरों पर बहुत जल्दी और आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, इसी वजह से आपको बाद में परेशानी होती है। अपने रहस्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने से पहले 2 बार सोच विचार कर लें और उसके बाद ही अपनी सीक्रेट्स किसी को बताएं। अपने अंतर्ज्ञान को सुने और सही चीजें चुने। आज आप किसी अनपेक्षित जगह पर अपने पुराने दोस्त के रूप में अपना प्यार पा सकते हैं। उसके लिए आपके जज्बात काफी दिनों से सुलगते रहे हैं पर आज उसे रिश्ते का रूप देने के लिए अच्छा दिन है। आज आपको कार्य क्षेत्र में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। किसी उच्च अधिकारी से लड़ाई हो सकती है, आप बहुत ही तनावपूर्ण महसूस करेंगे और अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने इस खराब मूड से बाहर निकलें
तब तक आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज का दिन गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आज अवॉइड करें कोई भी बड़ी चीज खरीदना। आज खरीदी गई गाड़ी आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी पाचन क्रिया का ख्याल रखना है। कुछ भी उठाकर ना खा लें, हेल्दी चीजें ही खाएं और जंक फूड तो बिल्कुल आज आपको अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन आपके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो दोपहर को 2 से 3 का समय रहेगा। सुनहरा पीला रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की, तो प्रिय कन्या राशि के जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप उन मामलों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे जो आपको पहले से परेशान कर रहे थे। कुंभ राशि में चंद्रमा आपके लिए खुशियां लेकर आया है। ये अच्छा समाचार आपको अपने समग्र शैक्षणिक और करियर के उद्देश्यों की दिशा में धीरे धीरे काम करना शुरू करने में सक्षम करेगा। लव लाइफ के मामले में आज कोई व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं। ये रिश्ता लंबे रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सकता है। इस बात को लेकर जरूर आश्वस्त हो जाएं कि वो आपकी तरह ही आपके लिए ईमानदार है या नहीं। करियर के मामले में आज शायद आपका किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आप बस अपनी नजर अपने लक्ष्यों पर रखें और अगर आपको लगे कि आपके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है तब भी बात को ना बिगड़ने दें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज अपनी गाड़ी बेचने की अगर सोच रहे हैं तो आज ये सोच टाल दीजिए। आज का दिन फायदे वाला नहीं है, आपको लगेगा कि आज गाड़ी बेचने से नुकसान ही हुआ है। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने भोजन का खास ख्याल रखना होगा। इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मूड, ऊर्जा और पाचन क्रिया सभी हमारे खाने पर निर्भर करता है। हमें अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक जरूरतें बराबर पूरी करनी चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। आज के दिन बैंगनी कलर आपका लकी कलर रहेगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय तुला राशि के जातक, कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप गंभीर होने के मूड में नहीं हैं। दिन आपके लिए मस्ती, खुशी और उत्साह से भरा हुआ होगा। आज आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दोनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आप दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, आपको प्यार और खुशी मिलेगी। आपको अपने साथी के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। किसी ऐसे काम को पूरा करने का मौका मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन आपके रोमांस के लिए भी भाग्यशाली है। आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और आपको अपनी जिंदगी में प्रेम का फूल खिलता नजर आएगा। आज अपने कार्यस्थल में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जितना हो सके किसी से भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े और धैर्य रखें। आज के दिन आर्थिक स्थिति में आपको अपनी गाड़ी बेचने का मन नहीं बनाना चाहिए, या तो कोई बड़ी खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन अगर आप वेट करेंगे तो वो ही आपके लिए सही रहेगा। हेल्थ के मामले में व्यस्त जीवन शैली में असुरक्षित खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने खान पान को और बेहतर करना होगा। गेहूं और हरी सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नीला रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश सौभाग्य और धन की अवधि में प्रवेश करेगा। आज आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपके लिए एक विशेष रूप से भाग्यशाली दिन है। ये कुछ भी नया शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। यदि आप कुछ खरीदने या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब इसका समय अच्छा है। इस समय आपके द्वारा शुरू किया गया कोई भी नया प्रयास सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। आज आप किसी को अपने आकर्षण के जाल में फंसा सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आप सावधान रहें। आप जहां भी जाते हैं सभी की आंखें आप पर टिक जाती हैं, लेकिन उनके आकर्षण में आप फंसने से बचें क्योंकि ये रिश्ता स्थायी नहीं होगा। करियर के मामले में उच्च अधिकारियों से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। प्रमोशन हो सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपने अपनी संस्था के लिए जो कड़ी मेहनत की थी अब उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये लाभ किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे ही आपको विदेश की यात्रा मिल जाए, तनख्वाह में वृद्धि मिल जाए। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज यदि आप नए मकान या संपत्ति में निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके दस्तावेजों को ठीक से पढ़ सुन लें।
छोटी सी चूक भी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। हेल्थ के मामले में आज वो दिन है जब आपको अपना ध्यान रखना होगा, आहार बेहतर करना होगा। अगर आप स्नैक्स ज्यादा लेते हैं तो अवॉइड करें। ध्यान दें कि जो सेहत के लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उस पर आप कितने खरे उतरे हैं। ब्राउन रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सुबह 9:45 से 11 तक का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, आज चंद्रमा कुंभ राशि में है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी और आप बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी की सलाह के अनुसार आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और सर्वोत्तम परिणाम के लिए काम करना चाहिए। हालांकि आपकी सभी अपेक्षाएं जल्द ही पूरी हो जाएंगी। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि सामने से गुजरने वाले किसी सुंदर व्यक्ति की ओर आप भी आकर्षित हो रहे हैं। आज आप आजाद रहना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं, एंजॉय करें। करियर के मामले में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के हल हो जाने से आपका काम आगे बढ़ेगा। सत्ता से जुड़े लोग आज आपका साथ देंगे और आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति की तो आज आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आप सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज उसका नतीजा मिलेगा। हेल्थ के मामले में जो खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है उससे आज दूर रहिए। आज आपको मजबूत रहना होगा। ध्यान रहे, अपने मन पर काबू करके ही आप अपनी सेहत का लंबा समय तक ख्याल रख सकते हैं। आज के दिन हरा रंग आपका लकी कलर रहेगा। 12:00 का टाइम आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, पारिवारिक संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। आज कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको घर में तनाव और चिंतित महसूस करा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ असहमति हो सकती है। सावधान रहें यदि कोई प्रिय व्यक्ति विशेष रूप से खराब मूड में है तो स्पष्ट रूप से आप बात करें, विनम्रता से पेश आए। आपकी जिंदगी में आज कोई अजनबी पार्टनर आएगा। लव लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। आप डेट पर जा सकते हैं। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में खुद दुविधा महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों की सहायता अवश्य लें। कार्यालय में इस समय बहुत ही प्रभावी आप पाएंगे अपने आप को। आज आपका लीडर होने का हुनर अपने चरम पर होगा और दूसरे लोग इस बात की सराहना करेंगे। आपके सितारे ऐसी स्थिति में हैं कि आपको अपने इस हुनर को प्रदर्शित करने के लिए और अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी। आर्थिक स्थिति के मामले में अगर आप घर या गाड़ी बेचना चाह रहे हैं तो आपको आज के दिन अखबार में विज्ञापन देना होगा। इस चीज में आज जो कदम आप आगे बढ़ाएंगे ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हेल्थ के मामले में आज आप सादा खाना खाना पसंद करेंगे। घर में पका भोजन ही खाएं, जल्दी आपकी जो पाचन क्रिया है वो ठीक होने लगेगी। आज के दिन आपका शुभ रंग सफेद रहेगा। शुभ समय 3 से 4 तक का रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर जिसकी वजह से आपका स्वभाव थोड़ा नुकीला और गुस्से वाला आज हो सकता है। आज आपको किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचने की कोशिश करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे लोगों से थोड़ी आप दूरी बनाए रखें। आप अपने जीवन में कुछ मुद्दों को लेकर थोड़े से भावुक आज हो सकते हैं, परंतु आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप आज किसी व्यक्ति से कई दिनों से मिलना चाह रहे हैं जिसमें आज आपको सफलता मिलेगी। ये रिश्ता आप दोनों के लिए खुशी लाएगा और आगे चलकर सफल भी होगा। करियर की अगर बात की जाए तो अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी संभावना आज बन सकती है। उस आदर्श पद की खोज करें और अपना आवेदन उसके लिए भेज दें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज के दिन प्रगति के लिए अपने व्यवसाय को विज्ञापित करना होगा। अपने व्यवसाय के विज्ञापन के लिए आपको सही तरीके की योजना बनानी होगी। इस प्रकार आप मदों पर आज खर्चा करेंगे, वो आपको लाभ देगा आगे चलकर। आज के दिन के लिए यदि संभव हो तो किसी विशेषज्ञ से आप सलाह अवश्य ले लें।
हेल्थ के मामले में आज आप महसूस करेंगे कि गलत खाना खाने की वजह से आपको कुछ पाचन में समस्या आ रही है, तो हरी सब्जियां अपने डाइट में इंक्लूड करें, जूसेस लें, फ्रेश जूस होने चाहिए आपको, जरूर लेने चाहिए, और शुगर अपने डाइट से थोड़ा कम करें। शाम 4 से 6 का समय आपके लिए शुभ रहेगा, आपका लकी कलर नीला रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की, तो प्रिय मीन राशि के जातक, चंद्रमा के कुंभ राशि में गोचर करने से आपके लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उचित प्रेरणा नहीं मिल सकती, हालांकि आप अपनी छवि को सही के लिए अपना कार्य समय पर कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपके कार्यों को समय पर पूरा करने की सलाह देते हैं ताकि काम आपके दिमाग पर दबाव ना बना सके। आपको पिछले कुछ दिनों की निराशाओं को भूल जाना चाहिए और अपने परिणाम को प्राप्त करने के लिए वर्तमान दिनों में और अधिक डेडिकेटेड हो जाना चाहिए। लव लाइफ में आज आपको अपने ईमेल बॉक्स में या फोन पर कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि कोई नया दोस्त आपके प्रति अपना प्यार इजहार करेगा। करियर के मामले में किसी सरकारी प्रबंधकीय पद को प्राप्त करने की इस समय प्रबल संभावना है, खास तौर से अगर आप IAS में जाना चाहते हैं तो सही पद की खोज करें और आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है। आपके आर्थिक हालात स्थिर हैं, आपने अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है, अब सब कुछ आपके पक्ष में है, इसलिए किसी भी चुनौती का जमकर सामना करें। आर्थिक हालात ठीक हो तो बड़ी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है। हेल्थ के मामले में और दिनों के मुकाबले आज आपको कम भूख लगेगी, हो सकता है ये ज्यादा तनाव की वजह से हो, खुद पर ज्यादा दबाव ना डालें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। आज के दिन 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। लाल रंग का गहरा शेड आज एकदम लकी कलर आपके लिए रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉगिन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।